जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत केचुहा में मुख्य मार्ग में रपटा बनाने के लिए पुलिया निर्माण किया जाना था, परंतु सरपंच एवं सचिव की उदासीनता के कारण पुलिया का निर्माण एक वर्ष से आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। केचुहा निवासी सतीश शुक्ला ने बताया कि पुलिया निर्माण का पैसा निकाल लिया गया, लेकिन पुलिया का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। आपको बता दें कि बरसात के समय इस रपटा में पानी आ जाता है तथा रास्ता बंद हो जाता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता, जिसके चलते सरपंच व सचिव मनमानी करने पर तुले हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत के चूहा की कार्यकाल है जो भ्रष्टाचार से अति ग्रसित है। ये पिछले साल 2019 में इस पुलिया का निर्माण कार्य चालू हुआ था, जो भी एक साल से ज़्यादा हो गया, अभी ये पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। इसे लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ है। हमारे कुछ विशेष सूत्रों से पता चला है कि इस पुलिया का पैसा जो है सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा निकाल लिया गया है और काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसे चाहे व्यापारी हो, चाहे ग्रामवासी हो या कोई भी हो, आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। ये जो नाला है बारिश में ओवर हो जाता है तो आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी ये हमारे व्यापारी भाई हैं, अभी अभी जिस आए हैं इनकी गाड़ी नहीं निकल रही है। जी भाई, मैं ग्राम पंचायत त्योथर से हूँ, वार्ड क्रमांक नंबर 5 से। हम लोग यहाँ आके परेशान हैं, गाड़ी नहीं पार हो रही, माल लोड किया है, कैसे इस पार से उस पार जाएं, ये सारी समस्याएं हैं। इन्हें इतना भ्रष्टाचार हो चुका है हमारे ग्राम पंचायत में कि जिसकी पूरी हदें लगभग पार हो चुकी है, इसमें शासन प्रशासन की कोई नज़र नहीं जा रही है। इतना भ्रष्टाचार है, कोई कंप्लेन नहीं है सेक्रेटरी सरपंच के ऊपर, इन्हें कोई दबाव नहीं है काम करवाने के लिए। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है।